सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में जो आपके तीन पेपर्स हैं, जो तीन पेपर एमसीक्यू हैं, टैक्स, एफएमएसएम एंड कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन तीनों एग्जाम को, मीन्स एमसीक्यू एग्जाम को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैंने जितने भी एमसीक्यू पेपर्स है, लाइक मैंने को टैक्स में भी 55 आया हुआ है, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आई गॉट 48 एंड एफएमएसएम में भी आई गॉट 55। तो आई थिंक मैं थोड़ा कुछ आपको गाइड कर सकता हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये मान लेता हूँ कि आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होगा, आपका पढ़ाई कंप्लीट हो गया है इन तीनों का, देन आप इस वीडियो को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो एमसीक्यू पेपर होता है सीएस एग्जीक्यूटिव में, उसके लिए आपको 3 आवर्स मिलते हैं, ओके। एंड आपको रीडिंग टाइम 15 मिनट्स एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, आपको उसी 3 घंटे में पढ़ना भी है एंड पेपर को अटेम्प्ट भी करना है। चलो, तो ये जो अपना एग्ज़ाम होगा, मैं इस जो प्रोसेस होगा उसको मैं 3 पार्ट में बांटूंगा। एक है आपका एबीसी एनालिसिस, सेकंड इज़ टाइम मैनेजमेंट एंड थर्ड इज़ मिसलेनियस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या है? तो सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप एक बार गो थ्रू करते हो, सेकेंड बार गो थ्रू करते हो, थर्ड बार गो थ्रू करते हो एंड कोई कोई फोर्थ बार भी गो थ्रू करता है। तो हर बार जब आप गो थ्रू करोगे, जैसे कि आप फर्स्ट बार गो थ्रू करोगे, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको कॉन्फिडेंट है कि आपको आता है, इसका ए होगा, इसका बी होगा, आप कंफर्म रहते हैं, वो आपका हो जाएगा ए लेवल क्वेश्चंस। फिर सेकंड राउंड में आप जब दोबारा जाओगे, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा डाउट है, या फिर ए या बी में कुछ होगा, ऐसा कुछ आपको डाउट है, वो आपका हो गया बी लेवल क्वेश्चंस। एंड सी लेवल क्वेश्चंस जो आपको एकदम नहीं आते, तो इसी को एबीसी एनालिसिस बोलते हैं। तो सबको ए वाले जो क्वेश्चन है वो आपको फर्स्ट राउंड में एकदम टिक करते हुए चलना है, कंफर्म है आप। सेकंड राउंड में आपको थोड़ा टाइम देना है, उसको सॉल्व करिएगा, फिर आइएगा सी वाले पार्ट्स पे, ठीक है। उसके बाद भी कुछ बच जाता है, देन आप कुछ दूसरा देख सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस होना चाहिए एबीसी एनालिसिस। फर्स्ट राउंड में जो कन्फर्म आता है उसको मीन्स क्वेश्चन पेपर में टिक करते हुए चलिए। सेकेंड राउंड में ध्यान से अगर फार्मूला लगा कुछ क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्व हो रहा है, तो पहले वो देखिए। कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो उस पर ध्यान दीजिए। एंड थर्ड सी जो लगभग आपको नहीं आता लेकिन आप कोशिश करेंगे। तो ये हो गया आपका एबीसी एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका रहेगा। सेकेंड, अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। ये जो 3 आवर्स आपको मिलते हैं एग्जाम में, इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो 2.5 घंटा है, फर्स्ट 2.5 घंटा आप आराम से अपना पेपर सॉल्व करिए। आप जो अपना ओएमआर में जो टिकिंग करना होता है उस पर फोकस मत करिए। पहले 2.5 घंटा आप पूरा फोकस्ड रहिए कि आपको एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करना है। लास्ट का जो आधा घंटा मिलता है, लास्ट का आधा घंटा में आप 15-20 मिनट अपना ओएमआर को भर लीजिए। और लास्ट का जो भी आपके पास 5-10 मिनट मिलता है, उसमें मतलब एक बार और गो थ्रू कर लीजिए कि आपने जो क्वेश्चन बुकलेट में जो भी मार्क किया है वही आपने ओएमआर भरा है कि नहीं। नहीं तो बहुत समय ऐसा होता है आपने ओएमआर में कुछ और मार्क किया, लाइक क्वेश्चन बुकलेट में कुछ और मार्क है, आपने ओएमआर में कुछ और मार्क करके आ गए हैं। एक्चुअली मैं ये गलती कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को दोबारा पॉइंट आउट कर रहा हूँ आपके लिए। तो लास्ट का 5-10 मिनट आप इसके लिए भी थोड़ा रिजर्व रखिएगा। तो 2.5 घंटा पेपर सॉल्विंग, लास्ट का आधा घंटा में ओएमआर को टिक करना एंड एक बार गो थ्रू करना कि आपने सही से टिक किया है कि नहीं। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट, मिसलेनियस। लाइक मिसलेनियस में यही पहला पॉइंट है कि जो भी आप मार्किंग कर रहे हैं बहुत ध्यान से करिएगा। जो भी ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से मार्किंग कर रहे हो, देख लीजिएगा कि जो डॉट दे रहे हैं वो डॉट बाहर ना निकल जाए, या फिर छूट ना जाए, या फिर आप 1 का H सोचे तो 1 का B ना कर दें। तो इन सब चीज़ों पे बहुत माइंड शार्प रख के, माथा शांत करके आप मार्किंग करिएगा। एंड एक लास्ट बात है, बी कॉन्फिडेंट। एमसीक्यू एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ा सा भी डाउट है तो आप उसको टिक मत करिए, कॉन्फिडेंट है आराम से टिक करिए और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। एंड पेपर जैसे आपके लिए हार्ड है, आपके लिए ईजी है, वैसे ही दूसरों के लिए हार्ड है, उनके लिए भी ईजी है। तो सबके लिए बराबर है। एंड आई होप कि मैं थोड़ा सा गाइड कर पाया कि आपको एमसीक्यू पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। एक बार लास्ट और एबीसी एनालिसिस, टाइम मैनेजमेंट 2.5 घंटे, आधा घंटा, एंड लास्ट टिक करने में ध्यान देना है कि आप कुछ गलत टिक ना करें। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों के संग इस पॉइंट को, या फिर इस जो बात है, हम लोग एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं थोड़ा सा।